Ο Μόρν. ठंडे मौसम में इस बर्फ में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत हमें फिर चारों तरफ से दिखाई देती है। इस भाई जान को देखिए आप, बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सर? तो चले आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और बेसब्री से हम जिसका इंतजार कर रहे थे बर्फ का, फाइनली बर्फ काफ़ी ज़ोरों से गिर रही है। तो सुबह से देखिए फजर नमाज के बाद से कंटिन्यू बर्फ़ गिर रही है और आप देख सकते हैं तो नज़ारा कितना ज़्यादा ही खूबसूरत है। और आपको मैंने बोला था कि जब बर्फ़ पड़ती है तो तब ये कितना ज़्यादा खूबसूरत पेड़ हो जाता है, तो आपके सामने एग्जांपल सामने खड़ी है। और एक ख़ास बात बर्फ़ की ये है कि आज ही बर्फ़ पड़ी और आज ही मेरे छोटी बहन का बर्थडे भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात और, जब मेरी छोटी बहन की पैदा हुई थी उस दिन भी लगभग 3 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी उसी दिन जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई थी, और आज भी वही एग्जांपल हमारे सामने। तो चले अभी हमें थोड़ा सा और काम है, थोड़ा सा बाज़ार तक जाना है, इसी बर्फ़ में बाज़ार तक जाना है भैया के साथ। तो चले निकलते हैं हम यहाँ से, तब तक आप वीडियो पर बने रहे तो हम ये मोमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है तो 100 लाइक्स ज़रूर करना। फाइनली चले हम बाज़ार तक दानिश भाई के साथ, काम है थोड़ा सा। तो ये हमारे दानिश भाई आगे आगे चल रहे हैं, ये देखिए पूरे आज स्टेशन में। दानिश भाई, इस ब्यूटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन से नियामतों को जुटलाओगे। बेशक। तो एक नियामत अल्लाह तबारक व तआला की ये भी है, अगर सनो नहीं होगी, बर्फ़ नहीं होगी तो कुछ मज़ा ही नहीं आता है अपनी लाइफ का। तो अगर सनो नहीं होगी तो हम कैसे व्लॉग बनाएंगे फिर? तो हम आपको किस तरह एंटरटेन कर पाएंगे फिर? तो काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इस वक्त, और लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, ये व्लॉगिंग का जोश है, आपके लिए इतना करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले जाना, और टारगेट इस व्लॉग का 100 लाइक्स है, तो 100 लाइक्स कर दीजिए। क्या वो हमिस गए हमिस गाड़ी नहीं यार दाग दे देंगे मोट यार, कहाँ पैदल चलो इसमें यार, हम ग्राउंड से चढ़ते हैं, हम आपको ग्राउंड का नज़ारा दिखाते हैं कि ग्राउंड जो हमारा खूबसूरत चौगान ग्राउंड, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए लोग आज भी इस बर्फ में भी आ रहे हैं ग्राउंड में, तो देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। ये ग्राउंड हमारा ये ग्राउंड हमारा दिल है दिल। काफी जबरदस्त नजारा है यार माशाल्लाह, आप इन पेड़ों को देखिए, ये पेड़ों को देखिए, और ये देखिए। तो आप काफी ज्यादा मजा कर रहे हैं हम इस वक्त, लेकिन ठंड की इंतहा है, लेकिन क्या करें व्लॉगिंग का नशा है। तो चले निकलते हैं हम आगे। इस भाई जान को देखिए आप, बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि इन पल को जी लो, ये पल दोबारा नहीं मिलने वाले। तो कहीं दिनों से हम वेट कर रहे थे कि बर्फ गिरे, लेकिन जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं अल्लाह ताला की कुदरत हमें फिर चारों तरफ से दिखाई देती है। तो एक बात बताऊं, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी। हाय 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 हाय, कत्ल, खतरनाक। दरअसल तो शायरी का काम मेरा है, लेकिन मेरे साथ रहकर दानिश भाई को भी आदत होगी अब शायरी करने की, तो ज़्यादातर मेरे शेर ही गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन आज राहत इंदौरी साहब का शेर बोला है, तो काफ़ी ज़बरदस्त, इनके लिए कमेंट ज़रूर करना। और क्या ही बोले यार, बड़ा भाई जान शान होती है।
بشیر کاک السلام علیکم کوڑ شاباش شاباش یہ دیکھیے ہم ضرور ولاگ بنا رہے ہیں لیکن اس وقت بھی اس ٹھنڈے موسم میں اس برف میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں لائن مین ہیں ہمارے گاؤں کے بس چلے وہیں دیکھنے کی کہیں تار چار نہ گری ہو تو ایک سلوٹ ان کے لیے بنتا ہے یہ دیکھیے بازار کا کافی خوبصورت نظارہ تو دیکھیے اور ہم آئے تھے تھوڑا سا بائک کے ساتھ یہاں شاپ پہ یہاں سے کچھ یہ دیکھیے تھوڑا سا کام تھا یہاں پر تو اللہ کی قسم بہت ہی زیادہ مزہ آیا یہ اب تک کا سب سے بیسٹ بلاگ ہوگا میرا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کا ٹارگیٹ میرا ہینڈروڈ لائک سے وہ پورا کر دو زیادہ کچھ نہیں صرف ہینڈروڈ لائکس وہ پورے کر دو حال کچھ اس طرح ہے کہ گاڑی کو بریک بھی نہیں لگتی ہے اس وقت کافی زبردست یار دیکھیے کہاں سے یہاں بریک لگائی تھی ادھر پیچھے وہاں سے چلتے 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 خود ہی یہاں سے آ کے وہاں پہ رک گئی یار یہاں پر جے سی بی آ چکے ہیں روڈ کو صاف کرنے کیونکہ بہت زیادہ سلپ ہے یہاں پر بات گوبر کی ویلڈن ویلڈن لگا دو A few inches later. تو کافی زبردست نظارہ ہے تو ابھی ہم شاپ بند کر کے آئے ہیں دیکھیے کس طرح سے لوگ آ چکے ہیں گراؤنڈ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے پاس بھی ایک گراؤنڈ تو یہاں پر سارے آتے ہیں اور لوگ یہاں پر گاڑی لے کے آئے ہیں یار ادھر نیچے گاڑی لے کے آئے دیکھیے گراؤنڈ کے اندر گاڑی لائی کسی نے کون ہے یہ ہمارے بھائی جان کافی ٹشن میں ان کو فوٹو اٹھانے تو یہ دیکھیں چھوٹے کا جوش چھوٹے بھائی خود بنایا پھر کس نے بنایا پتا نہیں ترا جمپ شاباش وہ صبح سے اس وقت تھوڑا سا برف تھم گئی ہے اور لیکن جو ٹھنڈ لگی ہے نا جوتوں میں پانی چلا گیا اور حالت خراب ہے دیکھو ہاتھوں کی حالت اور یہ دیکھو بھیا برف کھا رہا ہے بہت اچھے لگنے سے کافی زبردست ٹشن ان کا الگ ہی ہے تو کافی زیادہ اچھا ایکسپیرئنس رہا آج آپ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ میں گیا تھا شاپ تک تھوڑا سا لیکن توڑ سے حالت خراب تعلق ہی خراب کام یاد کرنا ہوں یہ تو کافی زیادہ مزہ آیا لیکن برف ابھی بھی پڑ رہی ہے اسٹارٹ پھر سے ہو گئی ہے برف پڑنا تو صبح نکلے تھے ہم اب یہ ٹائم کیا تھی آصف بھائی آپ میں آج آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جی جی حکم آپ تھوڑا یہ برف کو دیکھ کر میرے کو بچپن کی یادیں تھوڑا تازہ ہوئی تو آپ میرے کو بتاؤ جب آپ کے بچپن برف گرتی تھی کیا اس ٹائم کیمرہ ہوتا ہے بس اس وقت یہی فیلنگ تھی اگر تب میں نے ولاگنگ اسٹارٹ کی ہوتی نا آپ کو میں بتاؤں مگر نہیں کھاتے ہیں برف نہیں کھانی چاہیے بچپن میں جب ہم برف کھاتے تھے سکون ملتا تھا چینی ڈال کے برف کھاتے تھے کافی زبردست وہ بھی ایکسپیرئنس رہا ہے آپ تو رقیب کو جانتے ہو گے رقیب کشتواڑی اس کا ایک چھوٹا سا اشعار میں آپ کے ساتھ چلی کر ادھر ٹھنڈ سے حالت خراب ہوگی کاش وہ بچپن کے دن پھر سے لوٹ آتے ہائے ہائے کاش وہ بچپن کے دن پھر سے لوٹ آتے باغتے ہمیں پھولوں کے خاطر تتلیوں کے ساتھ آج مگر آج پھول نہیں ملیں گے آج برف ہی چاروں طرف ملیں گے جو دکان سے یہاں تک آتے آتے آدھا کلو برف آپ نے کھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ برف جو ہے نہیں آپ مجھے اتنا بتاؤ دکان سے یہاں تک آتے آتے پرانی پرانے دن تھوڑا آج میں تازہ کیے برف کھا کر کتنا سکون ہے وہ تو نہیں جانتا ہوں تو برف نہیں سکون سکون سے یاد آیا یہ مس مل سکون پانس میں چاندن میں چاند آتا ہے میں کوئی حالت خراب علاقہ ہاتھوں کی حالت دیکھو میری ٹھنڈ بہت زیادہ لگی یار بہت زیادہ بالکل سب سے ضروری نعمت یہ بالکل تو ہم کرتے ہیں فائنلی ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن
घर के साथ साथ आपको हम अपना मोहाली का स्टेडियम भी दिखाते हैं। एक वक्त ये हमारा मोहाली का स्टेडियम था, लेकिन आज ये पार्किंग जोन बन चुका है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, हाय हाय। तो देखिए सुबह किस तरह पेड़ था, इस वक्त किस तरह है। और यहाँ से पता चलता है कि हमें बर्फ कितनी गिरी है। ट्राई दिस, चेक करते, आई थिंक आधा फिट बर्फ गिरी है। One hour later. तो अभी घर से हम वापस फिर से ग्राउंड चले, क्योंकि दोस्तों ने फोन किया कि थोड़ा सा आ जाओ ग्राउंड तक, तो फोटो शोटो क्लिक करते हैं। तो चलिए हम फिर से चलें ग्राउंड। मैंने पहले बोला था आज का व्लॉग बहुत लंबा होगा, तो आपको बस पूरा एंजॉय करवाना है आज हमें। तो बस टारगेट याद रखना, हैंड रोट लाइक्स, जो टारगेट दिया है उसे भूलना नहीं हम। तो ये देखिए दो नमूने आगे से आते हुए, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ पागल ओ भूसे भूसे घूम सुबह थक। ए जनाब सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। पागल ओ टमल सब। अस्सलाम वालेकुम। मैं डर लगे ओए हे हे इन कैसे लिख दिया। इसको मारो सर पर, इसको डबल जी। तुझे वार बैठी? चलो भाई तुझे ठीक बैठ, फोन पकड़। इसे तो कड़े 500 ओ दो ओ मोरन ओ मोरन। आया मजा आया? हाँ नहीं है। हाँ मार दे तू, आप कैमरा पकड़े, क्या मोबाइल पकड़े आप से, ये बच्चों को दाड़ मार दे। क्या तू बच्चों को दाड़ मार दे? कितनी बार बोला बड़ा ब्यूटीफुल। बस 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 बारह को। तो फाइनली ये मेरे दो नमूने मेरे साथ आ चुके हैं। ये देखिए एक ये और एक ये, इसको तो आप जानते हो टपल जी को आप। यार ये हमारी शान है, आन मान शान। मैं इनके साथ मिला, अभी तक बारिश पड़ रहे थे, अब बर्फ स्टार्ट होगी तो काफी जबरदस्त। कहाँ चले? मुझे बुलाया वहां से, ऊपर चले अब कोर्ट पर। हाँ चलो नीचे जाएंगे। हाँ नीचे जाएंगे हम नीचे। मुझे घर से बुलाया जबरदस्ती, फोन पर फोन पर काम करना। मैं सुबह से निकला हूँ, अभी आया वापस, लेकिन आप चलेंगे वापस। जबरदस्त। ओ खूबसूरत चौगान को देखिए, और इन चौगान के साथ इन दो नमूनों को देखिए आप जो इधर आए हैं। ये देखिए वीडियो शुरू हुई है। अच्छा कोई मसला नहीं, एक दो ये दो पागल है। तो यहाँ से एक नजारा आप मारिए, थोड़ा सा देखिए नजर। तो वो मेरा गांव है, और ये खूबसूरत ग्राउंड है, और यहाँ पर ये आप कौन हो? तू कौन है? कौन हो आप? कौन है तू? तू कहाँ से आया है? मगर अंतरिक्ष से आए हम, कसम से के वादी है। आप सच में एक बार दिल की बात बोलूंगा, ऐसा लग रहे हो आप कि आप कहीं फॉरेन कंट्री से आए हो, टूरिस्ट। यू आर फार्मर? फॉरनर फॉरनर। अच्छा अच्छा। ए भैया तुम्हारी इंग्लिश खराब है। हमारी इंग्लिश नहीं, हमारा जनरल इंग्लिश है। अच्छा तो चलिए
अब वक्त आ चुका है कि आज का व्लॉग हम यहीं तक रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हुआ और ठंड से हालत ख़राब, कपड़े भी भर चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं घर, ये अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। लेकिन आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक भी टिक करेंगे सब्सक्राइब के ऊपर टक। बिल्कुल, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।